हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी स्नैपचैट आईडी बनाना चाहते हैं अपने मोबाइल से तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप स्नैपचैट अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है स्नैपचैट और यहाँ से स्नैपचैट को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहले से ही डाउनलोड है, तो अब हमें इसे ओपन कर लेना है। आप फर्स्ट बार स्नैपचैट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सिंक, कॉन्टेक्ट, डिनाई और अलाउ दो ऑप्शन आ रहा है। तो आप चाहते हैं अगर अलाउ करना, अपने कॉन्टेक्ट को चाहते हैं कि नोटिफिकेशन मिल जाए उन्हें कि आप स्नैपचैट अकाउंट बना रहे हैं, तो आप अलाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पर डिनाई पर क्लिक कर दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए 5 स्टेप हमें फॉलो करना होता है। स्टेप 1 ऑफ 5, यहाँ पे 5 स्टेप तक फॉलो करेंगे तभी हमारा स्नैपचैट अकाउंट बन पाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नेम लिख देना है। यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट नेम दोनों लिखना है। जिस नेम से आप अपना स्नैपचैट आईडी बनाना चाहते हैं वो नेम आपको यहाँ पर लिख देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना नेम लिखती हूँ। अब हमें नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से हम अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा 3 स्टेप जो है कंप्लीट हो गया है। 2 स्टेप यहाँ पे हमारा बाकी है और यहाँ पे हमारा स्नैपचैट आईडी का यूजर नेम यहाँ पे हमारा बन के आ गया है। ये अपने आप बन जाता है। और अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आपको ये पसंद नहीं है यूजर नेम, चेंज करना चाहते हैं, तो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा चेंज माई यूजर नेम। इस पर आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। जब आप चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रीन दिखना चाहिए। यहाँ पर ग्रीन है, जब ग्रीन रहेगा तभी आपका सबमिट हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर दे रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा यूजर नेम जो है पहले ही किसी का बन चुका है, ये हमारा यूजर नेम नहीं ले रहा है। तो थोड़ा इसमें और हमें चेंज कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना यूजर नेम चेंज कर ली हूँ। यहाँ पे ग्रीन टिक आपको दिख जाएगा। यहाँ नीचे आपको सजेस्ट भी करता है, यहाँ से यूजर नेम चाहे तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड बना लेना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए और 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड में आपको लेटर और नंबर दोनों मिक्स करके यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड बना ली हूँ। यहाँ पे आपको ग्रीन टिक दिख जाएगा। अब हमें नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंट्री हमारा सिलेक्ट हो गया है। अगर आप दूसरे कंट्री से हैं तो यहाँ से आप अपना कंट्री सिलेक्ट कर लीजिएगा। और स्नैपचैट अकाउंट को अगर आप चाहते हैं मोबाइल नंबर से बनाना तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। लेकिन हमें अपना मोबाइल नंबर से नहीं बनाना है, मैं अपने जीमेल अकाउंट से बनाना चाहती हूँ। तो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा यूज ईमेल एड्रेस। तो यूज ईमेल एड्रेस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं जीमेल आईडी अपना डाल दी हूँ। ऊपर आपको यहाँ पे दिख जाएगा स्टेप 5 ऑफ 5, ये हमारा 5 स्टेप है, कंप्लीट हो जाएगा। नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू का, तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको राइट साइड में कॉर्नर पे स्किप का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से आप स्किप कर दीजिएगा। तो यहाँ स्किप पे हमें क्लिक कर देना है। यहाँ से आप इमोजी अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं स्किप कर दे रही हूँ, तो यहाँ राइट साइड में स्किप का ऑप्शन है, यहाँ से हमें स्किप कर देना है। तो देखिए दोस्तों, स्नैपचैट अकाउंट हमारा यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से बन गया है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारा कॉर्नर पे आपको प्रोफाइल आइकन का शो हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप चाहें तो अपना प्रोफाइल आइकन लगा सकते। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा स्नैपचैट अकाउंट बहुत ही इजी तरीके से बन गया है। अगर आप चाहते हैं कुछ चेंज करना तो यहाँ आपको राइट साइड में सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आप चाहें चेंज कर सकते हैं, यहाँ से यूजर नेम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से सभी चेंजेस आप कर सकते हैं जो भी आप चाहें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।